लीवर और किडनी को खराब कर सकता है दूध, पर कैसे? हालिया अध्ययन में इस बात का खुलासा हुआ है कि भारत में बिकने वाले करीब 10% दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दूध अगर मिलावटी है तो वह लीवर और किडनी को खराब कर सकता है। चिकित्सकों का कहना है कि करीब 2 साल तक लगातार मिलावटी दूध पीते रहने पर लोग इंटेस्टाइन, लीवर और किडनी डैमेज जैसी खतरनाक बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। भारतीय खाद्य के हालिया अध्ययन में इस बात का खुलासा हुआ है कि भारत में बिकने वाले करीब 10% दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस 10% में 40% मात्रा पैकेज मिल्क की है, जो हमारे हर दिन के भोजन में इस्तेमाल होता है। दूध में किस चीज़ की होती है मिलावट? यह 10% कॉन्टिनेंटल मिल्क यानी दूषित दूध वह है जिसकी मात्रा में वृद्धि दिखाने के लिए इसमें यूरिया, वेजिटेबल ऑयल, ग्लूकोज या अमोनिया सल्फेट वगैरह मिला दिया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट के गैस्ट्रो एंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर के अनुसार मिलावटी या कॉन्टेमिनेटेड दूध से होने वाली नुकसान इस बात पर निर्भर करता है कि कॉन्टेमिनेशन कैसा है। अगर दूध में बैक्टीरियल कॉन्टेमिनेशन है तो आपको फूड पॉइजनिंग, पेट दर्द, डायरिया, इंटेस्टाइन इन्फेक्शन, टाइफाइड, उल्टी, लूज मोशन जैसी इन्फेक्शन होने का डर होता है। मिलावटी दूध से हो सकती है क्या परेशानियाँ? कई बार मिनरल्स की मिलावट होने पर हाथों में झनझनाहट या जोड़ों में दर्द भी शुरू हो जाता है। अगर दूध में कीटनाशक या केमिकल्स की मिलावट है या पैकेजिंग में गड़बड़ी है तो इसका आपके पूरे शरीर पर लंबे समय के लिए बहुत खराब असर पड़ता है। इस तरह के मिलावटी दूध को काफ़ी समय से यानी करीब 2 साल से लगातार पीते रहने पर आप इंटेस्टाइन, लीवर या किडनी डैमेज जैसी खतरनाक बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। पुष्पावती सिंधियाना हॉस्पिटल एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट की कंसल्टेंट पीडियास्ट्रिक डॉक्टर बताती है कि इस तरह के कॉन्टेमिनेटेड दूध में कुछ ऐसे केमिकल की मिलावट भी होती है जिनसे कार्सिनोजेनिक समस्याएं भी हो सकती है। अगर आप करीब 10 साल तक इस मिल्क प्रोडक्ट को ले रहे हैं तो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां होने की संभावना हो सकती है। क्या होती है दूध में मिलावट करने पर सजा? हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने दूध में किसी भी तरह की मिलावट के लिए उम्र कैद की सजा तय की है, फिर भी इस तरह की स्टडी रिजल्ट का आना उन सब के लिए चिंता का विषय है जो अपनी रोजाना की लाइफ में पैकेज दूध का प्रयोग करते हैं। पैकेज दूध की क्वालिटी पर हमारा कोई नियंत्रण तो नहीं होता, पर कुछ छोटी छोटी बातों को अपनाकर हम इसके दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं। क्या पॉस्चराइज दूध से होता है फायदा? धर्मशिला नारायण सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के जनरल फिजिक्स डॉक्टर के अनुसार पॉस्चराइज दूध होता ही इसीलिए है ताकि इसकी सेहत को उससे कोई नुकसान न पहुंचे, लेकिन अगर वो भी कॉन्टेमिनेटेड हो तो आप इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, टेट्रापैक को प्रमुखता देकर आप कुछ हद तक इससे बच सकते हैं, क्योंकि टेट्रापैक के अंदर प्लास्टिक एक्सपोजर्स कम होते हैं तो इस प्लास्टिक पैक से कम दूषित होता है। डॉक्टर का भी मानना है कि दूध को सही तरह से उबालकर आप इसके भीतर के सिंपल इन्फेक्शन वाले बैक्टीरिया को हटा सकते हैं। इसके अलावा इसमें हमेशा रेफ्रिजरेटर करके रखें और भूलकर भी खुला ना छोड़ें।